हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बाजार हटके। आज की वीडियो में फ्रेंड हम X570 चिपसेट के बारे में बात करेंगे जो हमें AMD की तरफ से देखने मिल जाता है। अभी तक का लेटेस्ट चिपसेट हमें यहाँ पे फ्रेंड X570 ही देखने में जाता है। साथ ही साथ बात करेंगे कि यदि आप X570 का मदरबोर्ड बाय करते हो तो कौन कौन से प्रोसेसर आप इस मदरबोर्ड पे यूज़ कर सकते हो। जैसे राइजन के जो हमें 3000 सीरीज़ के प्रोसेसर होते हैं वो सपोर्ट होते हैं, 2000 सीरीज़ के प्रोसेसर आप यूज़ कर सकते हो। आप राइजन 3000, 4000 के जो हमें G प्रोसेसर देखने मिल जाते हैं वेगा ग्राफिक्स वाले, आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। राइजन की 5000 सीरीज जो हमें लेटेस्ट में देखने मिल जाती है, 5600 जैसे X जैसे प्रोसेसर जो देखने में जाते हैं, आप X570 में इनको यूज कर सकते हो। साथ ही साथ इस वीडियो में हम यहां पे MSI का MIG X570 टोमहॉक वाईफाई, हमारे पास ये मदरबोर्ड भी है, इसका भी हम इन डेप्थ रिव्यू करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि हमें X570 टोमहॉक में क्या क्या स्पेसिफिकेशन, कैसे फीचर्स देखने मिल जाते हैं। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा आपको कि यदि दोस्तों आप एक बजट PC बिल्ड है, यदि आपका ये बजट 50,000, 60,000, 70,000 रुपये का है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक्सपेंसिव चिपसेट को बाय ना करें। आप X570 की जगह B550 की तरफ जा सकते हैं, B450 की तरफ भी जा सकते हैं। वहाँ भी आपको 3000 और 5000 सीरीज के प्रोसेसर आप सपोर्ट कर सकते हो उस मदरबोर्ड पे। लेकिन यदि दोस्तों आप एक बीस्ट बनाना चाहते हो, गेमिंग के लिए हो, चाहे वो स्ट्रीमिंग के लिए हो या वो आप कंटेंट क्रिएटर के लिए हो, और आपका बजट है वो अच्छा है, 1,00,000, 1,20,000, 1,30,000 रुपए है, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप X570 जैसे चिपसेट को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड आपको इनपुट आयो पोर्ट, मतलब जो आयो पोर्ट होते हैं, वहाँ भी आपको एक्स्ट्रा फीचर्स देखने मिल जाते हैं। साथ ही साथ जब हम इनबिल्ट परफॉर्मेंस की बात करें, जो बिल्ट इन परफॉर्मेंस है वो भी आपको बहुत ही ज्यादा इंक्रीज देखने मिल जाती है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं X570 चिपसेट की। तो यदि दोस्तों आप X570 चिपसेट को यूज करते हो तो आप राइजन की किस किस जनरेशन के प्रोसेसर को यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे फ्रेंड हमें AMD की वेबसाइट पे हमें चार्ट देखने मिल जाता है। यदि सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं X570 की, तो ये फ्रेंड आपको AMD के Ryzen 2000 सीरीज के प्रोसेसर को आप यूज कर सकते हो, लाइक 2700 को यूज कर सकते हो, 2700X जैसे प्रोसेसर को यूज कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पे फ्रेंड आप Ryzen की 3000 सीरीज के जो वेगा ग्राफिक्स, जो हमें वेगा ग्राफिक्स वाली सीरीज देखने मिल जाती है, वो प्रोसेसर भी यूज कर सकते हो, लाइक 3200, 3400G जैसे प्रोसेसर को यदि आप यूज करना चाहते हो तो X570 पे आप यूज कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से यदि आप X570 जैसा एक एक्सपेंसिव चिपसेट बाय कर रहे हो तो आप एक 3000 या फिर आप 5000 सीरीज के प्रोसेसर को ही यूज करोगे। हाँ, यदि आपका बजट अभी नहीं है, आप अपग्रेड करना चाहते हो, आप 3, 4, 5, 6 महीने बाद अपग्रेड करना चाहते हो अपने प्रोसेसर को, तो उस कंडीशन में भी आप Ryzen के 2000 और 3000 सीरीज के प्रोसेसर को आप यूज कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पे फ्रेंड आप Ryzen के 3000 सीरीज के प्रोसेसर जो हमें 3100, 3300X, 3600, 3600XT जैसे प्रोसेसर देखने में जाते हैं, आप उनको भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो X570 पे। आपको इस चिपसेट पे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिल जाती है। साथ ही साथ आपको जब X570 चिपसेट आया था ना, तो ये पहला ऐसा चिपसेट था जहाँ पे आपको PCI का 4.0 फीचर देखने मिला था। ग्राफिक कार्ड पे भी आपको ज़्यादा अच्छी रीड राइट परफॉर्मेंस आपको देखने मिल जाती थी, और मदरबोर्ड बसेस स्पीड आपको बहुत ही अच्छी देखने मिल जाती थी। और यदि आप Ryzen की 5000 सीरीज के प्रोसेसर 5600X जैसे प्रोसेसर को भी यदि आप यूज करना चाहते हो, 5700X जैसे प्रोसेसर को आप यूज करना चाहते हो, तो आप टोमहॉक की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड आपको किसी भी प्रकार का BIOS अपडेट नहीं मिलेगा, आप डायरेक्ट प्लग एंड प्ले टाइप आप इस मदरबोर्ड के साथ यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं टोमहॉक वाईफाई की, क्योंकि X570 की बात करें तो X570 में हमें बहुत से मदरबोर्ड देखने मिल जाते हैं। X570 पे हमें गीगाबाइट का भी देखने मिल जाता है, MSI का भी देखने मिल जाता है। लेकिन यदि हम पर्सनली मैं आपको सजेस्ट करूं टोमहॉक वाईफाई की, X570 टोमहॉक वाईफाई की, तो यहां पे फ्रेंड हम बिल्ट इन क्वालिटी बहुत ही अच्छी देखने मिल जाती है। साथ ही साथ यहां पे फ्रेंड हमें आईओ पोर्ट भी देखने मिल जाते हैं। और यहां पे यदि हम इसके VRM सेक्शन की बात करें या फिर हम इसके फेस शील्ड की बात करें, हीट सिंक की बात करें, तो सारी चीजें ही यहां पे फ्रेंड हमें ऑलमोस्ट देखने मिल जाती है। यदि हम यहां पे वाईफाई की बात करें तो वाईफाई में भी फ्रेंड यहां पे आपको एक्सटर्नल 2 यहां पे फ्रेंड आपको स्टिक देखने मिल जाती है वाईफाई के लिए, जिससे फ्रेंड आपको यहां पे बैंडविड्थ की स्पीड भी स्टेबल देखने मिलेगी। सबसे पहले यहां पे दोस्तों हम ओवरव्यू देख लेते हैं मदरबोर्ड का। तो मदरबोर्ड में फ्रेंड यहां पे आपको
8 प्लस 4 पिन का यहाँ पे फ्रेंड हमें सीपीयू पावर पोर्ट देखने मिल जाता है। यहाँ पे फ्रेंड 8 प्लस 4 पिन आपको एक्स्ट्रा इसलिए यहाँ पे देखने मिल जाती है क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड यदि आप ओवरक्लॉकिंग भी करते हो तो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी स्टेबल परफॉर्मेंस देखने मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पे फ्रेंड हमें 4 डिम स्लॉट देखने मिल जाते हैं जहाँ पे फ्रेंड आप अपनी मेमोरी जो मेमोरी मॉड्यूल है वो 4600 प्लस मेगाहर्ट्ज तक वाली रैम फ्रिक्वेंसी को भी आप यूज कर सकते हो, मतलब हाई रिफ्रेश रेट वाली आप यदि आप रैम को यूज कर रहे हो तो आप यहाँ पे इस बोर्ड के साथ जा सकते हो, यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिलेगी। यदि हम यहाँ पे इसके AM4 सॉकेट की बात करें तो AM4 सॉकेट में भी फ्रेंड यहाँ पे आप 5000 सीरीज के प्रोसेसर को भी आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे भी आप 5000 में किसी भी प्रकार का बायोस अपडेट देखने नहीं मिलेगा, विदाउट बायोस अपडेट प्लग एंड प्ले आपको यहाँ M4 पोर्ट देखने मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे फ्रेंड हमें 24 पिन पावर कनेक्टर देखने मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे फ्रेंड हमें 6 साटा कनेक्टर देखने मिल जाते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे फ्रेंड हमें डुअल M.2 पोर्ट देखने मिल जाते हैं। यदि दोस्तों आप डुअल M.2 यदि 3000 या 5000 सीरीज के प्रोसेसर को यूज करते हो तो यहाँ पे फ्रेंड आपको M.2 पे PCIe 4.0 पे X4 पोर्ट देखने मिल जाते हैं, मतलब आपको M.2 पे भी आपको रीड और राइट स्पीड भी बहुत ही अच्छी देखने मिल जाती है, हायर फ्रिक्वेंसी हायर MBPS रीड राइट स्पीड वाली रैम को भी आप यूज कर सकते हो, जैसे आप सैमसंग की वो 970 की तरफ जा सकते हो या फिर आप क्रूजर की M.2 की तरफ भी जा सकते हो जहां पे फ्रेंड आपको हायर MBPS की रीड और राइट स्पीड देखने मिल जाती है। तो यहां पे फ्रेंड आपको डुअल M.2 देखने मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहां पे हम PCIe कनेक्टर की बात करें तो हमें यहाँ पे X16 पे 2 पोर्ट देखने मिल जाते हैं और X1 पे यहाँ पे फ्रेंड हमको 2 पोर्ट देखने मिल जाते हैं। X16 की बात करें तो दोनों पे ही हमें 4.0 PCIe देखने मिल जाते हैं और X1 पे भी फ्रेंड हमें 4.0 के PCIe देखने मिल जाते हैं। यदि आप Ryzen के 2000 या 3000 सीरीज के G प्रोसेसर को यूज करते हो तो यहाँ पे फ्रेंड आपको PCIe 3.0 ही देखने मिलेगा। साथ ही साथ यदि हम यहाँ पे इसके मेमोरी चैनल की बात करें तो यहाँ पे फ्रेंड आप डुअल चैनल मेमोरी को यूज कर सकते हो, आपको डिम स्लॉट 4 देखने मिल जाते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम मेमोरी की बात करें तो 128GB तक यहाँ पे फ्रेंड आप अपने जो मेमोरी मॉड्यूल है उनको इंक्रीज कर सकते हो। साथ ही साथ यदि हम साटा 3 की बात करें तो यहाँ पे फ्रेंड हमें साटा के 6 पोर्ट देखने मिल जाते हैं, तो मतलब यदि आप मल्टीपल हार्ड ड्राइव को यूज करना चाहते हो साटा कनेक्टर के साथ तो आप यूज कर सकते हो। साथ ही साथ मैंने M.2 के बारे में बता दिया है आपको कि यहाँ पे 2 M.2 देखने मिल जाते हैं। साथ ही साथ यदि हम यहाँ पे बात करें लेन की तो यहाँ पे फ्रेंड हमें Realtek की 8125B लैन देखने मिल जाती है जिसमें फ्रेंड आपको 2.5 Gbps तक की स्पीड देखने मिलेगी। साथ ही साथ यदि हम USB पोर्ट्स की बात करें तो फ्रंट पैनल पे आपको Gen 1 पे Type-C का एक पोर्ट देखने मिल जाता है, एक पोर्ट आपको Gen 2 का Type-C देखने मिल जाता है। ऑडियो पोर्ट की बात करें तो यहाँ पे फ्रेंड आपको Realtek का ARC 1200 कोडेड यहाँ पे फ्रेंड आपको ऑडियो पोर्ट देखने मिल जाते हैं, एक आपको HDMI पोर्ट देखने मिल जाता है। यदि हम डायरेक्ट एक्स की बात करें तो यहाँ पे फ्रेंड आपको डायरेक्ट एक्स 12 सपोर्टेड है। यदि हम यहाँ पे इसके फॉर्म फैक्टर की बात करें तो ये फ्रेंड फुल्ली ATX मदरबोर्ड है, तो यहाँ पे फ्रेंड ये एक फुल साइज आपको देखने मिल जाता है। बैक पैनल की बात करें तो बैक पैनल में भी फ्रेंड यहाँ पे आपको रीसेट एक स्विच देखने मिल जाता है, यहाँ पे आपको USB 2.0 जेन पे आपको जेन 1 पे यहाँ पे 2 पोर्ट देखने मिल जाते हैं, 3.2 जेन पे यहाँ पे फ्रेंड आपको 4 पोर्ट देखने मिल जाते हैं, एक यहाँ पे फ्रेंड आपको HDMI पोर्ट देखने मिल जाता है, 2 आपको यहाँ पे वाईफाई पोर्ट देखने मिल जाते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे आपको गेमिंग 2.5G पे गेमिंग लैन देखने मिल जाती है और ऑडियो पोर्ट देखने मिलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों यदि हम MIG X570 Tomahawk वाईफाई की बात करें तो यदि दोस्तों आप एक बेस्ट PC बिल्ड कर रहे हो अपने गेमिंग स्ट्रीमिंग के लिए और आपके बजट आज 1.5 लाख रुपए के आसपास है तो आप X570 Tomahawk को यूज कर सकते हो, यहाँ पे फ्रेंड आपको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिल जाती है। बजट PC बिल्ड के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप B550 चिपसेट पे जा सकते हैं, B550 चिपसेट पे भी फ्रेंड आपको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिल जाती है। आप वहां पे Ryzen की 3000 सीरीज और 5000 सीरीज दोनों ही सीरीज के प्रोसेसर को आप यूज कर सकते हो। अच्छा, X570 की बात करें तो यहाँ पे आप Ryzen की 4000 सीरीज जो 4600G और 4700G जैसे प्रोसेसर हमें देखने मिले थे 4000 सीरीज पे जिसमें हमें Vega 8 ग्राफिक्स देखने मिले थे, आप यदि डेस्कटॉप के वो प्रोसेसर को भी आप यूज करना चाहते हो तो X570 पे आप यूज कर सकते हो। बजट PC बिल्ड के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप B550 चिपसेट पे जाएं, वहां पे भी आपको PCIe 4.0 देखने मिल जाते हैं और आपको 5000 सीरीज के प्रोसेसर भी देखने मिल जाते हैं। तो यदि दोस्तों आप एक बजट PC बिल्ड कर रहे हो ना तो आप B550 चिपसेट को भी आप यूज कर सकते हो। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बाजार हटके को, जहां दोस्तों आपको देखने मिल जाती है गेमिंग और गैजेट्स से रिलेटेड बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।